दोस्तों चंद्रयान 3 अपनी कामयाबी की ओर तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन वहीं रूसी लूना 25 चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग की दौड़ में अपनी कमान खो बैठा और चंद्रमा की सतह से जा टकराया। भारत का चंद्रयान 3 14 अगस्त को लॉन्च हुआ था। वहीं रूसी लूना 25 की बात करें तो उसे 10 अगस्त को मून की सतह पर लैंड कराने के लिए रवाना किया गया था, लेकिन अब रूसी लूना 25 को लेकर सभी उम्मीदें खत्म हो चुकी है। कहां तक पहुंच चुका है चंद्रयान 3 और चंद्रमा की सतह से कैसे टकराया लूना 25? आखिर चांद पर उतरना क्यों है कठिन? आपके मन में भी ये सभी सवाल उठ रहे होंगे। इन सभी सवालों का आंसर जानने के लिए बने रहना वीडियो के एंड तक। दोस्तों भारतीय इसरो मिशन चंद्रयान 3 इतिहास रचने के करीब पहुंच गया है। शनिवार आधी रात को डिबूस्टिंग के बाद विक्रम चंद्रमा से मात्र 25 किलोमीटर दूर रह गया। इसरो ने इसे चंद्रमा की सतह पर उतारने की तैयारियां शुरू कर दी है। इसरो ने घोषणा की है कि विक्रम 23 अगस्त को शाम 6 बजे चंद्रमा की सतह पर उतरेगा, लेकिन दुखद बात यह है कि दूसरी तरफ रूसी मिशन लूना 25 फेल हो गया है। इसरो ने ट्वीट पर पोस्ट में बताया कि अब लैंडर की इंटरनेशनल जांच की जा रही है। चंद्रयान को लेकर इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने बताया कि सब कुछ ठीक चल रहा है, हम 23 अगस्त को चंद्रमा पर लैंड करने को तैयार हैं, विक्रम पूरी तरह से सही काम कर रहा है। दोस्तों आपको यह भी बताना चाहूंगा कि आप भी चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग को लाइव देख सकते हैं। जी हाँ, इसरो ने लाइव देखने के लिए लाइव टेलीकास्ट की योजना भी बनाई है, जिसे आप बुधवार शाम 5:27 से इसरो की वेबसाइट यूट्यूब चैनल के साथ साथ डीडी नेशनल टीवी पर भी देख सकते हैं। चंद्रमा की सतह से टकराया लूना 25। रूसी स्पेस एजेंसी रोसकॉस्मोस ने 10 अगस्त को चांद मिशन लूना 25 भेजा था। चंद्रयान 3 के बाद भेजे जाने के बावजूद इसकी लैंडिंग पहले होनी थी। यही नहीं, लूना 25 के सोमवार को लैंड करने की संभावना थी, लेकिन शनिवार को अचानक तकनीकी खराबी आ गई। लेकिन वैज्ञानिकों को उम्मीद थी कि इसे सुधार लिया जाएगा, लेकिन इस पर काबू नहीं किया जा सका। रूसी एजेंसी ने बताया कि यान निर्धारित कक्षा के स्थान पर अन्य कक्षा में चला गया और इसके बाद जो हुआ वो रूस के लिए ही नहीं इसरो के लिए भी परेशानी की बात है। दरअसल लूना 25 के संपर्क टूट जाने के बाद वह चांद की सतह से टकरा गया और साथ में ही रूस की उम्मीदों पर भी पानी फिर गया। आपको बता दें कि लूना 25 मिशन की लागत $200 मिलियन है। चंद्रमा की सतह पर यान को उतारने के लिए एक साथ कई चीजों का सटीक होना जरूरी है। इसके लिए पिन पॉइंट नेविगेशन गाइडेंस, सटीक फ्लाइट डायनामिक्स, इसके साथ साथ समतल जगह की जानकारी और सही समय पर थ्रॉटल को दिशा देना आदि भी शामिल है। इसमें से किसी भी चीज में समस्या आ जाती है तो मिशन के फेल होने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाती है। लेकिन दोस्तों रूस का लूना 25 का फेल हो जाना रूस के लिए बहुत ही दुखद पल रहा होगा। इससे रूस के सपनों के साथ साथ उसकी आर्थिक स्थिति को भी धक्का लगा होगा। खैर दोस्तों, आपका लूना 25 और चंद्रयान 3 के बारे में क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और ऐसी ही जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।